वेलकम टू कौन बनेगा स्कॉलर। और पिछले एपिसोड में मेरे साथ थे संतोष कुमार और वो बहुत उम्दा खेले थे और यहाँ से स्कॉलर बैच इनाम में लेकर गए थे। आज हमारे सामने है ध्रुव, तो तालियों से स्वागत कीजिए ध्रुव का। तो ध्रुव अपना परिचय देंगे। मेरा नाम ध्रुव है, मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता हूँ। और ध्रुव को चित्रकला में और पढ़ने में बहुत रुचि है। तो पिछला एपिसोड देखने के बाद ध्रुव इतने इच्छुक थे हॉट सीट पे आने के लिए कि इन्होंने बहुत प्रयास किए और मुझे फोन किया और मैंने इनसे 2 सवाल पूछे और इन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। तो गेम शुरू करने से पहले इसके रूल बता देती हूँ। तो इस गेम में 6 सवाल होंगे जिसमें 5 सवालों के सही उत्तर देने पर आपको मिलेगा स्कॉलर बैच, और अगर 6 के 6 सवाल आप सही जवाब दे देते हैं तो आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। और हम आपके पास हमारी तरफ से 3 लाइफलाइन होंगी, 50-50, फोन अ फ्रेंड और ऑडियंस कॉल। तो शुरू करें ध्रुव? यस मैम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्रुव, खेतों में से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बुआई, बी सिंचाई, सी निराई या डी कटाई। सोच समझ के जवाब दीजिए। मैम निराई। श्योर? यस। लॉक कर दे। तो कंप्यूटर जी सी निराई को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। तो निराई बिल्कुल सही जवाब है, खेतों में से खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। तो बुआई, सिंचाई और कटाई क्यों नहीं? बुआई, बुआई बीजों के बोने की प्रक्रिया है, और सिंचाई खेतों में पानी डालने की प्रक्रिया, और कटाई फसल पक जाने पर फसल काटने को कटाई कहते हैं। बिल्कुल सही। तो आगे चलते हैं ध्रुव, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विटामिन डी सर्वाधिक होता है ए दालों में, बी दूध में, सी सोयाबीन में या डी मछली के कोड लीवर तेल में। तो कठिन सवाल है ध्रुव। मैम डी, मछली के कोड लीवर तेल में। श्योर? यस मैम। तो कंप्यूटर जी डी मछली के कोड लीवर तेल में को लॉक कर दीजिए। ये भी सही जवाब। तो विटामिन डी सर्वाधिक मछली के कॉड लीवर तेल में होता है, और वैसे तो विटामिन डी दूध में भी होता है, मशरूम में, चीज में और एग योक में, लेकिन सबसे ज्यादा मछली के कॉड लीवर ऑयल में होता है। सनलाइट भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, पर सबसे ज्यादा मछली के कॉड लीवर तेल में। तो ध्रुव अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं ए वायरस, बी कवक, सी राइजोबियम बैक्टीरिया, डी शैवाल। सोचकर, कठिन सवाल है। मैम सी राइजोबियम बैक्टीरिया। श्योर? यस मैम। लॉक कर दे। यस मैम। कंप्यूटर जी सी राइजोबियम बैक्टीरिया को लॉक कर दिया जाए। अगर आप ए वायरस कहते ध्रुव तो ये गलत होता, अगर आप बी कवक कहते तो भी गलत होता, लेकिन आप अगर डी शैवाल कहते तो भी गलत हो जाता। तो सी राइजोबियम बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया या जीवाणु रहते हैं, जो वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्रुव ये रहा, भूसे से अनाज के दानों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? ए निराई, बी कटाई, सी थ्रेशिंग या डी जुताई। सोच समझ कर। लाइफलाइन लेंगे? यस मैम। कौन सी लाइफलाइन लेंगे ध्रुव? मैम 50-50। कंप्यूटर जी लाइफलाइन 50-50 अंकित की जाए। तो ये 2 गलत जवाब इसमें से कंप्यूटर जी मिटा देंगे, उसमें से आपको एक बताना होगा। तो कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। तो अब ध्रुव आपके पास है सी थ्रेशिंग या डी जुताई।
सीड थ्रेशिंग। श्योर? यस मैम। कंप्यूटर जी सीड थ्रेशिंग पर लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो भूसे से अनाज के दानों को पृथक करना थ्रेशिंग कहलाता है और ये काम कंबाइन द्वारा किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर का और थ्रेशर का कंबाइन ग्रुप होता है और इससे थ्रेशिंग की जाती है, मतलब भूसे में से अनाज को अलग किया जाता है। तो ध्रुव अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यह सिंचाई की कौन सी विधि है? इसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और उसमें से आपको बताना है कि ये सिंचाई की कौन सी विधि है। तो कंप्यूटर जी चित्र दिखाइए। तो ऑप्शंस है ए ड्रिप तंत्र, बी छिड़काव तंत्र, सी घिरनी या डी चेन पंप। सोच के जवाब दीजिए ध्रुव। मैम बी छिड़काव तंत्र। श्योर? यस मैम। तो कंप्यूटर जी बी छिड़काव तंत्र को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो बी छिड़काव तंत्र बिल्कुल सही जवाब है। तो छिड़काव तंत्र एक ऐसी आधुनिक सिंचाई की विधि है जिससे एक नोजल लगी होती है और वो चारों तरफ घूमती रहती है और पौधों को ऐसे पानी मिलता है मानो वर्षा हो रही हो। तो अगला क्वेश्चन ध्रुव आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मूंगफली किस फसल का उदाहरण है? ए खरीफ, बी रवि, सी जेठी या डी इनमें से कोई नहीं। खरीफ और रवि की फसल पहले भी पढ़ा है आपने बहुत बार। मैम ए खरीफ। श्योर? यस मैम। तो लॉक कर दें? यस मैम। तो अगर आपका छठा क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है तो आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सोच लो अभी भी। यस मैम। तो कंप्यूटर जी ए खरीफ फसल को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ये भी बिल्कुल सही जवाब है ध्रुव। तो आप जीत गए आज ये स्कॉलर बैच और स्कूल की तरफ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। तो ये बन गए आज के स्कॉलर और इनको प्राइज में मिलता है ये छोटा सा गिफ्ट। तो आप भी अपने लेसन को पढ़िए, मुझे कॉल करिए और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।